और लाउडली बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम मत खोलना बलून मत खोलना बलून ओके okay. नहीं ये कौन है मुझे सुनना है बलू सुनना देखना है हे फ्रेंड्स हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय फ्रेंड्स तो आज है जन्माष्टमी और मैं करने जा रही हूं यहां पर छोटा सा डेकोरेशन तो जन्माष्टमी जब हम छोटे थे तो जन्माष्टमी में हम लोग इस तरह से अलग से एक टेबल पे छोटा सा डेकोरेशन करते थे तो आज मैं उसी तरह से डेकोरेशन करने जा रही हूँ जो भी घर में सामान अवेलेबल है उसी सामान से करूँगी तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल टेबल थी वो ले लिया है उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक दुपट्टा था रेड कलर का उसको उड़ा दिया है उसके बाद ऊपर मैंने सोचा था कि कुछ ऊपर से भी डेकोरेशन करेंगे तो मंदिर टाइप बन जाएगा और यहाँ पर स्वरा आकर अपना दूध पीने लगी और मैं यहाँ पर स्टेयर्स लेकर आई थी ऊपर चढ़ने के लिए और बच्चे जब भी कुछ ऐसा करो तो आगे पीछे घूमने ही लगते हैं तो ये सारी दीदी लेकर आई थी प्लेन कलर की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बहुत ही सुंदर साड़ी थी लाइट कलर पिंक कलर था और लाइट कलर तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं तो इससे मैं कर

लगा दिया और साइड में इसको इस इस तरह तरह से से अंदर अंदर की तरफ टेबल के अंदर इस तरह से इन कर दिया तो दोनों साइड से मैं सेम करूंगी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से डेकोरेशन तो हम लोगों को बचपन की याद आ गई कि किस तरह से हम लोग बारी बारी से इस तरह से मंदिर सजाते थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब जन्माष्टमी होती है या फिर गणेश चतुर्थी होती है तो साइड टेबल इस तरह से रख के हम लोग डेकोरेशन करते हैं मल्टी कलर की लाइट्स लगा के मैं करूँगी इस लुक को पूरा कंप्लीट तो अभी जो भी जितना भी सामान था तो सारा कहीं पर एक जगह रखा हुआ था तो बस अभी मैंने यहाँ पर लाइट ही लगा के पूरा लुक इस तरह से क्रिएट किया है तो अभी यहाँ पर दीदी कर रही है पूजा की तैयारी तो यहाँ पर जो लड्डू गोपाल है उनको खीरा के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दिया गया है तो आ, कहते हैं खीरे से ही जन्म करा कराते हैं तो इस तरह से खीरे के अंदर नाइफ का चीरा नहीं लगाते लोग कहते तो स्पून की हेल्प से इस तरह, तरह से थोड़ा सा होल करके उसके अंदर रख दिया था तो बाकी लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि खीरा के बीचों बीच चार पांच खीरा रख के बीच में ही जस्ट ऐसे ही रख देते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह और साइड में एक फ्लावर पॉट था तो वो भी लगा दिया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रखते थे पहले अभी कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी तो जो भी मिल रहा था तो उससे ही हम लोग लुक लो क्रिएट कर रहे थे फिर उसके बाद फ्लार्स यहाँ पर छोटा सा डेकोरेशन कर दिया था दीदी ने और फिर दीदी कर रही थी यहाँ पर प्रसाद की तैयारी और मैं यहाँ पर कर रही थी खाने की तैयारी तो दीदी साइड में चंदा मिर्त और पंचमृत भी बोलते हैं तो वो बना रही थी और मैं यहाँ पर सब्जी बना रही थी तो ऑयल गरम हो चुका है मैंने यहाँ पर सॉफ्ट और लौंग लिए थे एक दो खड़े मसाले इस तरह से ऐड कर देंगे साथ में मैंने यहाँ जीरा डाला है और हींग का मैं तड़का लगाऊंगी तो हींग तो मैंने यहाँ पर देखो भर के लगाया है तो इसमें गार्लिक नहीं ऐड करते हैं और अनियन नहीं करते हैं क्योंकि प्रसाद का जो भी होता है उसमें गार्लिक और अनियन नहीं ऐड करते इसलिए मैंने यहाँ पर चिली को कूट कर इस तरह से ऐड कर दिया है आप चाहें तो जिंजर भी ऐड कर सकते हैं जो भी अवेलेबल हो और साथ में मैंने हल्दी डाल दिया है तो टमाटर डालने के पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ हल्दी ऐड कर देती हूँ इससे हल्दी का जो कच्चापन होता है वो अच्छे से निकल जाता है तो अब मैं क्या करूँगी इसी जार में थोड़ा सा मैं डालूंगी दही और हल्का सा इस तरह से चला के फेंट लूँगी बहुत देर नहीं चलाना वरना पतला हो जाता है तो मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला डाला है उसके बाद इसमें जो दही थी वो ऐड कर दिया है और अभी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक मैं इसको मिक्स करती रहूँगी और गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है इसको जल्दी जल्दी से फेंटते रहना है ऐसे ढकना नहीं वरना दही फट जाती है और साथ में यहाँ पर देख सकते हो ये लोग कैसे टी वी देख रहे हैं श्वरा आराम से लेटी हुई तो कभी कृष्ण भगवान का जो मूवी है वो लगा रहे थे कभी हैरी पॉटर देख रहे थे तो ये लोग ऐसे इन्जॉय कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छे से जो ग्रेवी थी वो पक गई है तो मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था जब इसमें बॉईल आ गया तो उसके बाद मैं यहाँ पर चिली फ्लैक्स ऐड कर रही हूँ तो इस तरह की जब सब्ज़ी बनाओ तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दो तो बहुत अच्छा लगता है तो इसकी ड्राई वाली सब्ज़ी भी बहुत बढ़िया बनती है तो प्रसाद की सब्ज़ी बन रही है तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो नहीं ऐड किया है पर इस तरह से भी आप लोग सब्जी बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी तो यहाँ पर मैं आलू ऐड करूँगी तो आलू को कट करके नहीं डालना है वरना इतना खास टेस्ट नहीं आएगा इस तरह से अगर आप लोग डालेंगे ना तो टेस्ट जो होता है ना वो दोगुना बढ़ जाता है उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया हाथ से फोड़ के आलू डाल के उसके बाद सॉल्ट मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है उसके बाद गरम मसाला भी साथ में डाल दे, दोनों को कर दिया है मैंने अच्छे से मिक्स उसके बाद मैंने जो जार में थोड़ा सा दही लगी हुई थी उसमें ही मैंने पानी ऐड करके पूरा पानी ऐड कर दिया है इसमें और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक इसको ढक के पकाएंगे बाद में मैं इसको ओपन करके भी पकाती हूँ तो अभी हो गई है पूड़ी बनाने की तैयारी पूड़ी बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दीदी के बेटे को रेडी करने के लिए उसको कृष्णा बनाने जा रही थी तो सारे बच्चे आज राधा मशुरा बनेगी और मेरे मेरा जो बेटा है वो भी कृष्ण बनेगा और ये भी बनेगा तो ड्रेस मैंने पहले ही ड्रेसअप कर दिया था तो अभी मैं इसके टीका लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने यूपिन के हेल्प से टीका लगाया है तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी मेरे बेटे की जो मैंने कृष्ण बनाई थी प्रॉपर आप लोगों को उसमें आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो भी तो मैं टैग कर दूँगी वो वाला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अभी मैं इसको टीका लगा रही तो यूपिन से ना बहुत ईजिली लग जाता है लाइन इधर उधर नहीं होती है उसके बाद ये सिंदूर मैंने लिया है सिंदूर से क्या किया है मैंने बीच में जो स्पेस था उसको फिल कर दिया है यहाँ पर मैंने तीनों जगह पर बिंदी लगाई है बिंदी बहुत ही ईजी हो जाता है लगा के फिर इसके चारों तरफ ये कुमकुम -कुम जो था वो कुमकुम -कुम से मैंने छोटी छोटी सी बिंदी चारों तरफ लगा दी है तो कृष्णा का मैं पूरा लुक देना चाह रही थी तो मेकअप मेरा डन हो गया तो मैंने क्या किया था मेरे पास जो चुन्नी थी उस चुन्नी को राउंड राउंड करके इस तरह से चारों ओर लपेट कर फिर मैंने सिल दिया था क्योंकि मुकुट नहीं पहनाना चाह रही थी क्योंकि मुकुट से बहुत अच्छा लुक नहीं आ रहा था वो आर्टिफिशियल सा लग रहा था तो इस तरह से मैंने चुन्नी लगा दी और ये सेफ्टी पिन है जो कि साड़ी वगैरह में हम लोग लगाते हैं बट ये काफ़ी टाइम रखी थी तो ये रियूज करने का मन था मैंने सोचा चलो रियूज कर लेते हैं तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है तो जो भी घर में सामान अवेलेबल था उसी से मैंने सारा कुछ किया था फिर दीदी ने उसको लगा दी लिपस्टिक शोरा का मैंने ऐसी मैसी सा बन बनाया पीछे बैक में विदाउट एनी बन मतलब मैंने कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया था शौरा के थोड़े से कर ली हेयर से तो काफ़ी अच्छा जूड़ा बन जाता है उसका उसके बाद मैंने इसको बिंदी लगा दी रेड कलर की थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर और बीच में मैं इसमें लगाऊंगी तो आप लोग देख सकते हो कैसे ड्रामे कर रही थी बीच बीच में बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पी भी थी क्योंकि उसको काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे रेडी होना है रेडी होना है उसके बाद मैंने ये वाइट कलर का कुमकुम था वो मैंने बीच बीच में लगा दिया तो बीच बीच में पूछती भी जा रही थी मम्मा आप क्या कर रहे हो अच्छा ये क्या कर रहे हो मम्मा मैंने कहा थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा इसको राधा लुक दे रही थी और पीछे से ये मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा था बार बार मेरे ऊपर चढ़ जा रहा था तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था तो जब मैं दीदी के बेटे को रेडी कर रही थी तब भी वो सेम ऐसे ही कर रहा था फिर मैंने लगा दिया मांग टीका मांग टीका मैंने थोड़ी देर में चेंज कर दिया था इसका दूसरा लगा दिया था क्योंकि ये बहुत इधर उधर हिल रहा था उसके अंदर मैंने लिपस्टिक लगाई लिपस्टिक के बाद मैंने सेम लिपस्टिक से ब्लश लगा दिया और ये यहाँ पर एक कृष्णा जी आप लोग देख सकते हो कितने आराम से बैठा हुआ है और अभी मैं शरा को पहना रही हूँ ज्वेलरी तो जो भी था मैंने कुछ ज्वेलरी डी करके भी पहनाया था तो आप जुड़े में देख सकते हो तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब आ, कुछ कहीं का है कुछ कहीं का है बट मैंने बहुत अच्छे से उसको कैरी करा दिया था तो समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद मैंने इसकी चुन्नी इस तरह से यू पिन के हेल्प से टक कर दिया था बैक में तो बहुत हैप्पी हो रही थी इस तरह से चुन्नी लगवा कर उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी फिर अभी ये देखिए नन्हा सा मेरा बाल गोपाल इसको भी मैंने फाइनली रेडी कर दिया तो सारे बच्चों को रेडी करके हम लोग लेकर जा रहे हैं नीचे सोसाइटी में थोड़ा सा फंक्शन था तो ईश्वर को आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी बट अच्छे से पिक्चर नहीं वो क्लिक कराती ना ही वीडियो में आती है तो बेटे के जो हेड में लगाया था वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाया था क्योंकि वो इतना ज्यादा हिल रहा था उसके बाद बाद में मैंने फिर ठीक कर दिया था उसका तो अभी आप लोग देख सकते हो बार बार उसके टीके के पास आ जा रहा था बाद में मैंने उसको थोड़ा सा साइड में कर दिया था तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश था आप लोग देख सकते हो इसका एक्साइटमेंट जो है

सोसाइटी के बैक साइड में जो फेस वन था वहाँ पर भी फंक्शन हो रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा फंक्शन हो रहा था तो हम लोग इस साइड में आ गए थे और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर स्टेज में बच्चों ने डांस वगैरह भी किया था और बड़ा सा झूला लगा हुआ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था तो वहाँ तक हम लोग नहीं गए थे और यहाँ पर गुन्नू को मिल गया था बलून तो इसको हर जगह पता नहीं कैसे बलूनस मिल जाते हैं तो आज कृष्ण जी का बर्थडे था तो हर जगह पर बलून लगे हुए थे और ये जाते ही बलून बलून करके बलून ले ही लिया इसने फिर उसके बाद यहाँ पर निखिल आ गया था उसके थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम थी हलाा लिखी चल जे का सेलिब्रेशन देखकर हम आ गए थे घर में और हस्बैंड भी आ गए थे जस्ट फिफ्टीन मिनट पहले ही आए थे और उसके बाद हमने यहाँ पर कृष्ण जी का करवाया जन्म उसके बाद इन्हें चंदा मिर्च जो होता है उसमें सारा कुछ हनी वगैरह होता है तो उससे नहलाया उसके बाद पानी से नहलाया जाता है फिर उनको अच्छे से पोछा गया तो हम लोग रात में ही पूजा करते हैं जब 12 बज जाता है डॉट 12 बजे के बाद जब पूजा होती है उस मुहूर्त पे ही हम लोग इनको जन्म कराते हैं और पूजा ही करते तो यहाँ पर गुरु बहुत एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसको बनाना दिख गया था फाइनली बनाना दिख गया तो फिर वो खाने लगा तो हाँ मैं बता रही थी कि रात में 12 बजे हम लोग करते हैं पूजा और यहाँ पर मैंने सोसाइटी में देखा बहुत लोगों के घरों में सोसाइटी में जो फंक्शन था वहां पे भी 12 बजे ही हुआ है बट बहुत लोग जो होते हैं ना आठ नौ बजे बहुत लोग मैंने सुना है मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं उन लोगों के यहाँ पे आठ नौ बजे हो जाता है बट हम लोगों ने बचपन से ही बारह बजे किया है तो ये फाइनली आप लोग देख सकते हैं क्यूट से नन्हने से जो लड्डू गोपाल है उन्होंने कपड़े पहन लिए हैं अपने और यहाँ पर उनको बाँसुरी पकड़ाने की कोशिश कर रही दीदी फिर यहाँ पर सबसे पहले भोग लगाया जाएगा उनका जन्म कराने के बाद बाद में होगी आरती तो थोड़ा सा निखिल को प्रॉब्लम है तो बार बार आ नहीं रहा था और थोड़ी देर फिर पूजा के लिए आया वो तो यहाँ पर उनके लिए दीदी ने निकाल दिया भोग आरती करने के बाद सब लोगों ने आरती ले ली और यहाँ पर श्वरा सबको बार बार लेकर आरती जो हाथ से लेकर माथे पर लगाते हैं वो सबको बार बार लगा रही थी यहाँ पर गुन्नू भी सेम उसकी कॉपी कर रहा था तो यहाँ पर ये यह दोनों बच्चे अभी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और हस्बैंड भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं पूजा करने के बाद सब लोगों ने आरती लेके फिर यहाँ पर प्रसाद खाया तो श्वरा सबको उठा उठा प्रसाद दे रही थी और यहाँ पर मैंने भी ले लिया प्रसाद तो मैं अभी यहाँ पर पी रही हूँ पंचामृत जो कि यार बहुत ही अच्छा बना था और बचपन से ही हम लोग के घर में पंचामृत जरूर बनता है या कथा होती है या फिर घर में जब भी जन्माष्टमी होती है तो पंचमृत जरूर बनता है हम लोग को बहुत पसंद आता है और गुन्नू यहाँ पर बैठ के खा रहा है लड्डू और बारह बज चुके हैं काफी ज़्यादा मतलब बारह साढ़े बारह पौने एक हो रहा है लगभग डिनर करके अभी हमें निकलना भी है घर के लिए बाय कर दो बाय तो सभी लोगों ने हम लोगों ने डिनर कर लिया और हम लोग निकल चुके हैं अभी घर के लिए और यहाँ पर श्वरा निकलते ही गुनू को परेशान करना शुरू कर देती है तो रात का टाइम था खाली रोड थी हमने सोचा अभी निकल लेते हैं अगर रुक गई तो फिर मॉर्निंग में नहीं फिर शाम में ही मन करता है घर जाने का दिन में नहीं मन करता है और अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग नीचे आ गए सोसाइटी के और गुन्नू को देखो श्वरा कैसे उठा रही है तो इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था अभी ऊपर भी यही कर रही है उसको बार बार उसको प्यार कर रही किसी कर रही थी तो ये साथ में बहुत ज्यादा इस तरीके से मस्ती कर रहे थे तो ऐसा बहुत कम ही मिलता है चेतानी करने को इन दोनों को मोस्टली हमेशा मुझे ये चाहिए वो चाहिए दोनों करते रहते हैं तो बार बार इसको देखो कैसे उठा रही थी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर बाय